ये है पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाली बीकानेर की चांदमल ढड्ढा की गणगौर। करोड़ों के गहनों और जवाहरातों से श्रृंगारित बीकानेर के चांदमल ढड्ढा की गणगौर को देश भर में धनवान गणगौर में जाना जाता है। यह गणगौर ईश्वर के साथ नहीं बल्कि अपने पुत्र यानी भाया के साथ पूजी जाती है। पुत्र की आकांक्षा रखने वाली महिलाओं के अलावा यहाँ दूर दूर से माँ गणगौर के दर्शन के लिए लोग आते हैं। माँ गवर्जा के सोने हीरे के आभूषणों को देखकर दंग रह जाते हैं। नाक में नथ, हाथ में सोने के कंगन, पायल, सिर पर टीका, कानों में झुमके, नौल का हार, हीरों से जड़ित अंगूठियां सहित कई आभूषण पहनी होती है। आइए आपको बताते हैं क्या है चांदमल ढड्ढा गणगौर की 150 साल पुरानी परंपरा और कहानी। कहा जाता है कि बीकानेर के सेठ उदय मल के कोई पुत्र संतान नहीं थी। राज परिवार में अच्छी प्रतिष्ठा के कारण एक बार उनको शाही गणगौर देखने का निमंत्रण मिला। उस समय उदय मल ने अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर राज परिवार की गणगौर का पूजन किया। इसके एक साल बाद ही सेठ उदय मल की पत्नी को पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूरी हो गई और उस पुत्र का नाम रखा गया चांदमल। तभी से प्रतिवर्ष भाइया के साथ गणगौर निकालने की ये परंपरा शुरू हुई और लोग इन्हें चांदमल ढड्ढा की गणगौर से जानने लगे। बताया जाता है कि यह गणगौर जोधपुर रियासत से बीकानेर राज परिवार में आई और फिर राज परिवार द्वारा यह गणगौर ढड्ढा परिवार को दे दी गई। आज करीब 150 वर्ष से यह गणगौर ढड्ढा परिवार के पुस्तैनी घर के आगे पाटे पर चैत्र शुक्ल तृतीया और चतुर्थी को अपने भाया के साथ विराजमान रहती है और दो दिन तक भरने वाले मेले के दौरान माँ गणगौर के आगे बालिकाएं व महिलाएं श्रद्धा भाव के साथ घूमन नृत्य करती है। पारंपरिक ढोल, झालर और कांसी की थाली से निकलने वाली ध्वनि पर शाम से रात तक अनवरत रूप से घूमन नृत्य चलता रहता है। मित्रों, आप सभी के लिए गणगौर के ऐतिहासिक गीतों की पुस्तक म्हारी गणगौर उपलब्ध हो गई है, जिसमें गणगौर के गीतों के साथ साथ गणगौर की कथाएं, कहानियां, आरती और पूजन से संबंधित सभी ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है। रमक झमक द्वारा गणगौर की इस पुस्तक को आप स्क्रीन पर बताए गए स्थान से प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति से जुड़े रहने के लिए रमक झमक को फॉलो जरूर करें। जय गवर्जा माँ। Oh,